नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। जम्मू कश्मीर के राजौली में आतंकी खिलाफ ऑपरेशन का आज छठा दिन है। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और भारतीय सेना लगातार आतंकी खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। आज भी राजौली और पूंछ में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 116 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 3 लोगों की मौत भी हुई है। वर्तमान में देश में कोविड के 4,170 एक्टिव केस है। नए JN1 वेरिएंट के कुल 63 मामले हैं। अकेले केरल में ही 3,096 सक्रिय मामले हैं। वहीं कर्नाटक में 436 एक्टिव केस है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिकी सेना ने सोमवार को इराक में ईरान समर्थित लड़ाकों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली 3 ठिकानों पर हमले किए हैं। उत्तरी इराक में एक ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान समर्थित मिलिशिया समूह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया था। भारतीय रेलवे को नया रंग रूप और रफ्तार देने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब अमृत भारत एक्सप्रेस पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के पहले एक साथ 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को देश को समर्पित करेंगे। JP नड्डा ने BJP की चुनावी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए देश के 7,00,000 गांव को जोड़ने का निर्देश दिया है। इसके तहत प्रत्येक गांव के लिए एक कार्यकर्ता, जबकि बड़े गांव के लिए एक से अधिक कार्यकर्ता का जोड़ने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 में जुट चुकी है। पार्टी के दिग्गज नेता एक्शन मोड में हैं। बैठकों का दौर चल रहा है। इसी बीच पार्टी ने हर एक संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव ऑफिस खोलने का फैसला किया है। पार्टी ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को इसका निर्देश भी दे दिया है। प्रदेश अध्यक्षों को 30 जनवरी से पहले पार्टी ऑफिस खोलने का निर्देश मिला है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि देश में वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी के नेतृत्व को चुनौती देने के विपक्ष के इरादों के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन के खिलाफ PM उम्मीदवार है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नागपुर अधिवेशन खत्म होने के बाद तबीयत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर से जांच करने के बाद पता चला कि एक बार फिर कोविड हुआ है। डॉक्टर ने 4 दिन तक घर में क्वारंटीन होने की सलाह दी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और UP समेत देश के कई राज्यों में सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है। सबसे बुरी स्थिति राजधानी दिल्ली की है। यह प्रदूषण और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी शून्य हो गई है, जिसका सबसे अधिक असर उड़ान सेवा पर पड़ा है। लद्दाख में मंगलवार को सुबह 4:30 बजे आए भूकंप ने वहां के लोगों की नींद खोल दी। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुंछ, किश्तवाड़ और कारगिल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। केरल के तिरुवनंतपुरम में नया टिनकरा के पास पुवर में क्रिसमस समारोह के लिए बनाया गया एक अस्थायी पुल सोमवार रात को ढह गया, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यों में संगठनात्मक मीटिंग करने को लेकर मुहिम तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल में संगठनात्मक स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर है। क्रिसमस की छुट्टी के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार साल के आखिरी कारोबारी हफ्ते में मिले जुले रुख के साथ खुले हैं। BSE का सेंसेक्स और NSE की निफ्टी पर भी शुरुआत हुई है। निफ्टी में 15.50 पॉइंट की उछाल आई और यह 21,364.90 पॉइंट पर पहुंच गया। सेंसेक्स भी 17.32 पॉइंट बढ़कर शुरुआती कारोबार में 71,124.28 पर खुला। केंद्र सरकार 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को खुश कर सकती है। जी हां, ये खुशी 7वें वेतन आयोग तक आने वाले महंगाई भत्ते से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि सालों से की जा रही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की डिमांड से जुड़ी हुई है। 1 फरवरी को अंतरिम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में इजाफा कर सकती है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मियों की बेसिक सैलरी में इजाफा हो जाएगा। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन नील नंदा को लेकर एक दुखद खबर सामने आई है। नील नंदा ने 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। नील के निधन की खबर से उनके फैंस शॉक पे हैं। नील की मौत किस वजह से हुई है, इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और जनता मिलकर स्वच्छता अभियान में लग हुए हैं। 30 दिसंबर को पीएम मोदी श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन करेंगे और यहां पर बना भव्य रेलवे स्टेशन भी जनता को सौंपा जाएगा। सभी कार्यक्रमों को लेकर जबरदस्त उत्साह है। 30 दिसंबर से पहले अयोध्या जगमगाएगी। उत्तराखंड के रुड़की में ईंट भट्टे पर बड़ा हादसा हुआ है। इसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई है। ईंट भट्टे की दीवार गिरने से दीवार के नीचे मजदूर दब गए, कुछ के घायल होने की खबर है। शाहरुख खान की डंकी दुनिया भर में लोगों को खूब एंटरटेन कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए 5 दिन हो गए हैं और क्रिसमस के मौके पर एक बार फिर से डंकी के कलेक्शन में इजाफा हुआ है। इसी के साथ अब फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 157 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। उम्मीद है कि जल्द ही ये फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। प्रभास की सलार को रिलीज हुए 4 दिन हो चुके हैं। ऐसे में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली है। 4 दिनों में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी सलार बढ़िया प्रदर्शन करी है। इसी के साथ कुल 270 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए है। बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। वजह है उनकी दूसरी शादी। उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से शादी रचाई है। 24 दिसंबर को दोनों शादी के बंधन में बंधे। उस दौरान परिवार वाले और बॉलीवुड के कई सितारे मौजूद रहे। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।